dropping. तो गाइस इस वाली वीडियो को एडिट करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले गाइस किसी भी फोटो एडिटर ऐप को आपको ओपन कर लेना है। जैसे मैं पिक्सआर्ट ऐप का यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले गाइस आप लोग यहाँ पे ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड ले लेना है। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे गाइस आपको क्रॉप में जाना है। क्रॉप में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को जो है ये स्टोरी वाला जो है क्रॉप सेलेक्ट कर लेना है। इतना जाने का टैक्स में जाना है आप सभी को। एंड टैक्स में जाने के बाद यहाँ पे गाइस आप अपना नाम या अपने चैनल का नाम या कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो जो आप लिखना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गाइस सिंपली अपना नाम लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे इतना हो जाने के बाद गाइस आप लोग सिंपली यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपको इसका साइज़ जो है ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे फोन्स वगैरह आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको जो बेस्ट लगे आप अपने हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पे प्रीमियम वगैरह सब कुछ फ्री मिल गया, मिलने लगा है आप सब, तो आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको सेव कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे सेव कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली बैक चलेंगे यहाँ पे एंड कैप का टैप को जो है ओपन करेंगे। बट उससे पहले हम यहाँ पे वीपीएन कनेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे पहले से कनेक्ट कर रखा है तो आप लोगों को भी कनेक्ट करके रखना है। उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे फोटो को सिलेक्ट कर लेना आप सभी को अपनी, जो भी आपने एक्सपोर्ट करी थी। जैसे आप इसको एक्सपोर्ट करी हुई फोटो को सिलेक्ट कर लोगे तो गाइस आप यहाँ पे एंटर हो जाओगे। आप लोगों को यहाँ पे करना है कि आपको किसी के ऊपर सिलेक्ट कर देना है। एंड इसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को करना है कि आपको फोटो को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे क्रोमा की ऐड कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद की लेंथ जो आप अपने हिसाब से बढ़ा लेना, आप जितना रखना चाहो, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लस के ऊपर टाइप करेंगे, यहाँ पे क्रोमा की ऑप्शन दिख रहा है आपको, गाइस यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर रखा है तो आप लोगों को भी सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। एंड इतना हो जाने के बाद आप लोगों को करना क्या है गाइस, आप लोगों को सिंपली चले जाना है मास्क वाले ऑप्शन में। मास्क वाले ऑप्शन में जाने के बाद गाइस आप लोगों को जो है इसको यहाँ पे इस तरीके से पहले थोड़ा सा स्मूथ कर लेना है। एंड इसको जो है दोनों फिंगर्स अपने पकड़ के ऐसे दबा देना है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देना है। फिर उसके बाद गाइस आपको ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाने के बाद आपको नीचे की तरफ लाना है, ठीक है। एंड आपको आपकी लेयर को थोड़ा बढ़ा देना है। फिर उसके बाद इसको रोटेट कर लेना आप सभी को थोड़ा सा। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस इसको रोटेट कर लेना इस तरीके से एंड इसको इस साइड में ले आना है, ठीक है। यहाँ पे क्रोमा की ऐड हो जाएगा एक। आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे इसको आगे की तरफ मतलब पहले हम इसको लेयर को बढ़ा देते हैं फिर इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे। एंड फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब डन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे हमारा नेम विजिबल हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जो लेंथ इसकी कम कर लेंगे, क्योंकि लेंथ जो है ज़्यादा नहीं रखनी हमें, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनानी, 3 से 4 सेकंड की वीडियो होनी चाहिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा ज़्यादा रिपीट हो और वीडियो का इंप्रेशन बढ़े, ठीक है। अब उसके बाद आपको इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद आपको शेक इफेक्ट पर यहाँ पे सर्च कर देना है। शेक इफेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे से ये भी रख सकते हो। एंड अगर आप चाहो तो ये भी रख सकते हो यहाँ पे। अगर आपको इनमें से कोई ठीक ठाक ना लगे तो आप इसके अलावा और भी यहाँ पे हैं जो मतलब कि कैपकट ऐप में मिल जाएंगे। बाकी प्रो वर्जन में सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको प्रो वर्जन नहीं मिला अभी तक तो आप लोग इस वाली वीडियो को जाकर देख लेना, आपको सब कुछ इसमें पता चल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, फिर आप डायरेक्ट चैनल पर भी जाकर देख सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे चल लगाते हैं शेक इफेक्ट, ठीक है। तो आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको शेक इफेक्ट ये वाला मिल जाएगा। एंड इसके बाद इसकी जो इंटेंसिटी है इसको कम कर देना है। एंड उसके बाद फुल स्क्रीन पे कर देना है। एंड उसके बाद देख सकते